मुझोक सुल्तानी पंचायत के गांव बल्ला में एक माह पहले जायका प्रोजेक्ट के तहत स्थापित मोटर को चोरों द्वारा चुरा लिया गया है, जिसके चलते किसानों को अब गेहूं की बिजाई करने में परेशानी आ रही है। जायका प्रोजेक्ट के स्थानीय कमेटी प्रधान रघुवीर सिंह ने बताया कि मोटर चोरी की शिकायत पुलिस थाना हमीरपुर में करवा दी है। वहीं रघुवीर सिंह और अन्य किसानों का कहना है कि बारिश न होने के चलते वे फसलें नहीं बीज पा रहे हैं, लेकिन किसानों की आय को सुदृढ़ करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत सिंचाई योजना शुरू की थी, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा था। लेकिन अब चोरों द्वारा पंप हाउस में स्थापित 20 हाउस पावर की मोटर को चोरों द्वारा चुरा लिया गया है, जिससे उन्हें सब्जियों की सिंचाई और गेहूं की बिजाई करने में दिक्कत पेश आ रही है। किसानों ने जायका विभाग से गुहार लगाई है कि यहां पर नई मोटर स्थापित की जाए, ताकि दोबारा से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके। वहीं पंचायत के पूर्व प्रधान चंद्रशेखर ने बताया कि जायका स्कीम से पहले खेतों में सिंचाई होती थी, लेकिन एक माह पहले मोटर चोरी होने से अब दो गांव के दर्जनों किसानों को सिंचाई की समस्या पेश आ रही है। उन्होंने विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द यहां पर नई मोटर स्थापित की जाए। पूर्व प्रधान चंद्रशेखर, गांव बल्ला निवासी हूं, और ये स्कीम आज से ठीक 5-7 साल पहले हमने ही इसका मतलब दौड़ धूप करके जो काम करवाया था, और इस स्कीम की वजह से जो है दो गांवों का फायदा हुआ करता था। लेकिन कुछ समय से जो है सुनने में मुझे जो जायका का प्रधान है उसने मुझे को बताया कि हमें बताया कि इसकी मोटर जो चोरी हो गई है और उसकी FIR लाओ जो है वो हमने जो है वो हमीरपुर में जो है वो करवा दी गई है, लेकिन आज दिन तक पुलिस ने कोई इसके बारे में जो कार्रवाई नहीं की है। और हम विभाग को भी बताना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो वो इस वजह से सूखी पड़ी हुई है, और जल्दी से जल्दी उस मोटर को लगाया जाए ताकि गांववासी को उस स्कीम का फायदा हो। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मोटर को लगाया जाए, और जो भी या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो भी लोग कानून के तहत उन लोगों को पकड़ा भी जाए और जल्दी से जल्दी मोटर को लगाया जाए। वहीं किसान कृष्णचंद ने बताया कि मोटर चोरी की गई है, जिसके चलते उन्हें सिंचाई की परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस में एक माह पहले शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी, मैं गांव बल्ला से हूं, और हमारी एक पानी की समस्या है। हमने पुलिस में भी FIR दर्ज करवाई हुई है, हमारी एक मोटर जो है वो चोरी हो चुकी है, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें मोटर लगाई जाए और इसका हल निकाला जाए। वहीं जायका कमेटी के प्रधान रघुवीर सिंह ने बताया कि मोटर चोरी होने की शिकायत पुलिस में करवा दी गई है, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी चोर नहीं पकड़े जा सके हैं। उन्होंने जायका विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यहां पर नई मोटर स्थापित की जाए। जायका का प्रधान रघुवीर सिंह, ये चोरी हो गया, एक महीना हो गया, और इसकी हमने FIR दर्ज करवाई है, और विभाग को इंटीमेशन कर दी गई है कि हमारी मोटर जो चोरी हो चुकी है, और हम चाहते हैं कि विभाग इसके बारे में कुछ ना कुछ करे और जल्दी मोटर लगाने के प्रावधान करे, ताकि लोगों को पानी देने में राहत मिले। इस टाइम मौसम जो है कुछ ऐसा ही है, सूखे की रात के लिए लोग चाहते हैं कि हमें पानी मिले, तो मोटर हमारी लगवाई जाए। शासन से मांग करते हैं कि हमारी हेल्प करे और थोड़ी निगरानी रखे इन चीज़ों की, जो चोरियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ, 2-3 चोरियाँ हुई यहाँ गाँव इलाके में, कुछ अमरोह में चोरी हुई, यहाँ बड़ेवेली में चोरी हुई, यहाँ हमारी मोटर चोरी हुई, कुछ कुलसाई में चोरी हुई, तो ये चोरी को जो जाते हैं प्रशासन से कि वो हमारी हेल्प करे और इसकी छानबीन करे।